हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हर्ष प्रकाश निष्कर। कैसे हो आप सब? कैसा चल रहा है आपका दिन? लॉकडाउन कैसा चल रहा है? काफ़ी अच्छा दिन है आज, हवा भी चल रही है, धूप भी है, सही दिन है काफ़ी। और यहाँ हमारे यहाँ आजकल हार्वेस्टिंग का सीज़न है, मतलब जो किसान लोग हैं वो अपनी फसलें काट रहे हैं, बेच रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है किसानों के लिए। गाँव वगैरह में, जो गांव वगैरह के लोग हैं उन सबको पता होगा कि आसपास काफ़ी कंबाइंस वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ दिखता होगा, क्योंकि फसलें काटने का सीज़न चल रहा है। किसानों के लिए यही समय होता है अच्छा। जैसे कि मैं खेती की बात कर ही रहा था, ये देखिए यहाँ पर रीपर लगा हुआ है और ये देखिए ट्रैक्टर वगैरह खड़े हुए हैं, सारी फसल कटी हुई है। ये देखो काफ़ी अच्छा माहौल है, सारी फसलें कटी हुई हैं। ये हमारे यहाँ की दाना मंडी है, यहाँ पर किसान जाके फसलें बेचते हैं। काफ़ी अच्छा किसानों के लिए काफ़ी अच्छा समय है ये। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं वैसे, पर फिर भी जो काम किसानों का है वो तो करना ही है, तभी सभी लोग खाना खा पाएंगे। सो गाइस, शाम का 7 बजे का टाइम हुआ है, सैर करने आए हैं। हर तरफ यहाँ पे कहीं कहीं पे कंपाइन लगी हुई है, कहीं पे रीपर लगा हुआ है। आज बहुत ही डस्टी सा माहौल हुआ है यहाँ पे, पर इस डस्टी माहौल का किसानों को, हम जैसे लोगों को एक फ़ायदा है या एक खुशी मिलती है इससे, क्योंकि सबके घर में खाना पहुँचता है। हमारे घर में हमारा खर्चा ऐसे निकलता है, सब किसानों का खर्चा ऐसे निकलता है। किसान इसी दिन के लिए ही वेट करते हैं कि हमारी जो फसलें हैं उनकी कटाई हो, गेहूँ की कटाई हो, कटाई हो, मंडी में जाएं, बेचें, पैसे आए, फिर ये सेलिब्रेशन का टाइम होता है। मतलब हम जैसे किसानों के लिए, लोगों के लिए काफ़ी सेलिब्रेशन का टाइम होता है। आप में से भी कई लोग किसान होंगे तो आपको तो हमसे ज़्यादा पता होगा। सो गाइस, एक बात दिमाग में आ रही थी जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की, और शुरू करने का रीज़न भी यही था कि कई लोग विलेज लाइफ को या रूरल लाइफ को मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि विलेज में कुछ अच्छा नहीं होता, गरीब लोग रहते हैं या वट एवर। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो शहर में है वो गांव में उससे ज़्यादा ही अच्छा होगा। उससे जो शहर है उसमें इतना पोल्यूशन, इतना डस्ट, डस्टी एरिया, सारा पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, हर चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी। और जो यहाँ का वातावरण देख सकते हो, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, आपको बिल्कुल यहाँ पे अच्छा फील हो रहा होगा कि वातावरण है जो यहाँ का बहुत ही अच्छा है। और आप सोचते हो कि गाँव में, मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि इतनी वो नहीं हुई, तरक्की नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आजकल गांव में हर तरह की फैसिलिटी होती है, शॉप्स भी खुल चुकी हैं, हर तरह की हर चीज़ मौजूद है गांव में। मतलब अब गांव किसी भी तरह से शहर से बिल्कुल पीछे नहीं है। और हमारे एरिया की बात ही है, जो लोग शहर में रहते हैं वो गांव में आकर ज़मीनें ले रहे हैं कि हम यहाँ आकर घर बनाएंगे। यहाँ तक कि हमारे जो इस टाइम MLA हैं उन्होंने भी गाँव में ज़मीन ले रखी है कि वो यहाँ घर बनाना चाहते हैं। उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि शहर की लाइफ बहुत अच्छी है, गांव में क्या है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गांव में अभी देखा ही क्या है कि जो आप ऐसे बोलते हो कि गांव में तो कुछ भी नहीं है। एक बार आप यहाँ पे आना, हम दिखाएंगे आपको गांव में क्या कुछ हाँ। है। अगर आप आ नहीं सकते तो आप हमारे व्लॉग्स के उससे देख सकोगे कि गाँव की लाइफ कैसी है और क्या होती है, आपको खुद पता चल जाएगा। हमारा चैनल बनाने का मोटिव ही, मेन मोटिव यही है कि हम शहर के लोगों की ये सोच बदल सकें कि गांव में भी अब काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और लाइफ काफ़ी बदल चुकी है गांव की। होप कि आपको हमारा इस तरह का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगेगा। सो गाइस, थैंक यू, आप हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। होप कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करोगे तभी हमारा चैनल ग्रो होगा, हम साथ में ग्रो होंगे सारे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।